यह है सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड विद ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी, और आप इसे यूज कर पाएंगे किसी भी लाइटवेट कैमरा के साथ। इसकी ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी आईफोन और एंड्रॉइड दोनों ही के साथ इसे इजी टू यूज प्रोडक्ट की श्रेणी में खड़ा कर देती है। इसके पास में होने पर सेल्फी, व्लॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसे आप हर जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे वो किचन हो, ऑफिस हो, इंडोर पार्टी हो या फिर हो फैमिली ट्रिप, और महसूस करेंगे अपनी वीडियोस फोटोज क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर। यह है इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में मिलने वाला है आपको। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, स्टैंड वगैरह किस तरीके से आपको इसे ऑपरेट करना है, और यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स दी गई हैं कि इस तरीके के कैमरा जो हल्के फुल्के कैमरे हैं उनके साथ आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, उसको आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। यहाँ कुछ आइकन्स दिए गए हैं, यह iOS एंड एंड्रॉयड दोनों कंपेटेबल है। आइए खोल के देखते हैं इसको। ये इसके अंदर दिया गया है यूजर मैनुअल, यहाँ पर इंग्लिश में और ये बैक साइड में चाइनीज लैंग्वेज में दिया गया है। बहुत ही प्रीमियम फील देता है ये प्रोडक्ट। जब तक ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं आया था तब तक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसकी इतनी प्यारी लुक जो ऑनलाइन शो की गई है वो मुझे मिलने भी वाली है। बट एट लास्ट प्रोडक्ट रिसीव करके आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। ये इसका रिमोट है जिसको हम इसे डिवाइस से अलग कर सकते हैं। आइए इस पे कैमरा होल्ड करके देखते हैं, इस पे मोबाइल होल्ड करके देखते हैं कि किस तरीके की होल्ड ये बना पाता है। ये वर्टिकली इसने कैमरा को होल्ड किया है, अगर हमें इसे लैंडस्केप मोड में यूज़ करना है तो इस तरीके से भी हम इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से इसे टाइट करके अच्छी होल्ड, अच्छी ग्रिप है इसके अंदर। इस तरीके से हम इसमें वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें साथ में कुछ लाइटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये हमने किया इसको, ये इस तरीके से हमारा कैमरा होल्ड हो गया, और यहाँ पर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल लाइट लगा सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से इसको हम इसको टाइट कर लेंगे जिससे हमारे कैमरे की पोजीशन लूज ना हो। और इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने मोबाइल कैमरास को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और ऊपर एक्सटर्नल लाइट यूज़ कर सकते हैं। पहले मुझे सिर्फ यही पता था कि इसके अंदर हम सिर्फ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं इस रिमोट से, जैसे कि ये अभी इसके साथ पेयर है, पेयर हम कर सकते हैं इसको बटन को लॉन्ग प्रेस करके। ब्लूटूथ इनेबल है, इजीली कनेक्ट हो गया, इसमें मुझे लगा नहीं कुछ ऐसा आपको बताने लायक कि मैं इसमें आपको कुछ बताऊं या करके दिखाऊं। तो मेन चीज़ क्या है कि मुझे लगा था लेने से पहले ये कि सिर्फ इसे हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो क्लिक कैसे कर सकते हैं कि ये मैंने बटन प्रेस किया और ये हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया, ये यहाँ पर सेव हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कैमरा हमारे मोबाइल का वीडियो मोड पर होगा तो हम इससे वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ये हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। और इसको ऑफ़ करने के लिए हमें दोबारा ये बटन प्रेस करना है, और ये बटन प्रेस करते ही हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। पहले मुझे इसे खोलना बड़ा ट्रिकी लग रहा था, ये सारे के सारे यहाँ पर क्लिप्स हुए हुए हैं, ये फंसे हुए हैं आपस में, तो ये हम लोगों को एक फिंगर से इस तरीके से इसमें से अनक्लिप करना है, उसके बाद हमें सिंपल इसको प्रेस करना है और ये हमारा ट्राइपॉड इस तरीके से, बहुत ही ईजी। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो एल्युमिनियम का है और बहुत ही रफ एंड टफ है, और बाकी इसमें कुछ ABS प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है, और दिखने में बहुत ही एलिगेंट लुक आ रही है इसमें। इस मोड के ऊपर आप कोई भी हल्का फुल्का कैमरा लगा सकते हो जिसका वेट 300-350 ग्राम तक हो। इसका खुद का वेट भी 350 ग्राम से कम है, इतना लाइट वेट, इतना कंफर्टेबल, आप इजी टू कैरी। मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि कोई ट्राइपॉड को हम लेकर के इतना ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें मोबाइल होल्ड करके आप किचन में कोई भी रेसिपी का वीडियो देखते देखते अपना खाना पका सकते हैं बड़े ही मज़ेदार तरीके से और बिना किसी मशक्क़त के। अगर आपके हाथ किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और आप जो है ना मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं, फेस कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। इसका जो रॉड है इसको फुल एक्सटेंड करके 5 फुट से भी ऊपर हो जाएगा। अभी मैं इसको यहीं पर आपको वैसे एक्सटेंड करके दिखाता हूँ, स्टैंड पर नहीं, ये मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ और ये फुल एक्सटेंड हो गया है। तो अभी आप कैमरे में देख पाएंगे ऊपर मेरा मोबाइल लगा हुआ है कि कितनी लंबी स्टिक हो गई है। वैसे तो मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई डीमेरिट, कोई इसका मुझे फॉल्ट नज़र नहीं आया है कि मैं आपके साथ में शेयर करूं, लेकिन फिर भी एक फॉल्ट है, वो ये है कि अगर आप इस तरीके से इसको इनडोर यूज़ कर रहे हैं और किसी का भी हल्का सा इस जगह पर पैर पड़ जाता है तो ये टूट जाएगा। ये बहुत ही केयरिंग प्रोडक्ट है, आप इसे अगर केयर करके रखेंगे तो ये सालों साल आपके साथ में चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये क्लिप्स दी गई हैं ये प्लास्टिक की हैं, ये पूरा पूरा जो पोर्शन है ये प्लास्टिक का है, और
बस यही है, इसको अब आप डीमेरिट बोलें, इसका इसकी कमी बोलें, लेकिन ये प्रोडक्ट की कमी नहीं है, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ। कई बार हम लोग फैमिली के साथ में होते हैं और फ़ोटो लेने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए हमें कैमरे के पीछे रहना होता है हमेशा, लेकिन आप इसे स्टैंड पे लगा करके फैमिली के साथ, सबके साथ एक साथ बैठ करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इसके साथ। यह प्रोडक्ट अवेलेबल है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, मैंने ये अमेज़ोन से मंगाया है और अमेज़ोन पर इसकी जो कीमत है वो है मात्र 1599 रुपये। हम लोगों ने ये जो चैनल बनाया था एरोटेक का, वो इसलिए बनाया था, इसके पीछे सोच ये थी कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम लोग डील कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में हम अपने डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को जानकारी दे सकें, उसके फीचर्स के बारे में बता सकें, उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में हम अपने इंस्टॉलर्स को बता सकें। लेकिन अभी मुझे कुछ टाइम से ये चीज़ लग रही है कि उसमें एक लिमिटेशंस हैं, वो तो रहेगा ही। अभी जो प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे एरोटेक के, उनको तो हम लोग वहाँ पर अनबॉक्स और अनपैक करेंगे ही करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने ये सोचा है कि जो प्रोडक्ट्स हमारी पर्सनल लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे हेल्पफुल हैं, मेरी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, तो उन प्रोडक्ट्स को भी मैं यहाँ पर आपके साथ में बांटूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और इस प्रोडक्ट के अंदर ये खामियाँ हैं, इनको ये इसकी डिमेरिट्स हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी तक जिस तरीके से भी आप हमारा साथ देते हुए आए हैं, और आगे भी मैं उसी तरीके का सपोर्ट आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, और शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।